अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी आलू सिंपल तरीके से। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसमें डालूंगे 1 चम्मच जीरा। अभी हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम लाल होने तक के पकाएंगे। प्याज लाल हो चुकी है, अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन मिक्स होने के बाद में अभी मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। दो मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर पिसे हुए। टमाटर को अब हम अच्छे से भुनेंगे। टमाटर और मसाला अच्छे से भुनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे 1/2 बाटी दही। दही को हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसाले में। अब ये मैंने 4 आलू को बड़े साइज में काट कर ले ली हूँ। अब हम मसाले में डाल देंगे। अब आलू को भी मसाले में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू को हम मसाले में 5 मिनट तक के पकाएंगे। आलू को मसाले में 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 गिलास पानी। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे। 1/2 आलू गलने तक के हमें पकाना है। देखिए 1/2 आलू हमारे गल चुके हैं। अभी इसमें मैं डालूंगी मेथी। मेथी को मैंने 2-3 पानी में धो दी थी। मेथी को अब हम आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मेथी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी मैं इसको ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी और बीच बीच में चम्मच से हिलाते भी रहूंगी। देखिए 10 मिनट पकने के बाद में आलू और मेथी अच्छे से ही गल चुके हैं। ये देखिए अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह मेथी आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना मेथी आलू कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।